जयपुर के एमएनआईटी स्थित प्रभा भवन में विज्ञान भारती की ओर से विद्यार्थी विज्ञान मंथन राज्य स्तरीय विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा के विजेताओं को पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। विज्ञान भारती के सचिव मिग्रेंद्र शर्मा ने बताया कि ऑनलाइन आयोजित इस प्रतियोगिता में 18 विजेताओं को आज नगद पुरस्कार और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सांसद रामचरण बोहरा, एमएनआईटी के निदेशक उदय कुमार यारागट्टी, विज्ञान भारत के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह राठौर, जोपनेर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति जे एस संधु समेत कई लोग मौजूद रहे। विद्यार्थी विज्ञान मंथन का राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह हो रहा है। ये जो कार्यक्रम है ये भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में विज्ञान प्रसार जो कि एक स्वायत्तशासी संस्था है और एनसीईआरटी दोनों के सहयोग से ये प्रतियोगिता पूरे भारतवर्ष में आयोजित की जाती है। ये दुनिया की ऐसी प्रतियोगिता है जिसमें एक साथ 5 लाख बच्चे ऑनलाइन कॉम्पिटिशन में बैठे हैं और ये बच्चे जो हमारे सेलेक्ट हुए हैं ये राजस्थान से 18 बच्चे हैं जो 6th to 11th क्लास के हैं। ये आगे चल के नेशनल लेवल पर कॉम्पिटिशन में भाग लेंगे और निश्चित रूप से ये एक हमारे भारतीय वैज्ञानिकों का कॉन्ट्रीब्यूशन है। इस विषय को लेकर के आगे संवाद को बढ़ाएंगे और देश को आत्मनिर्भर और हमारे जो एक विश्व गुरु की छवि है उसकी तरफ भारत को ले जाने का कार्य करेंगे। मेरा मानना है कि विज्ञान से हर एक चीज़ जुड़ी हुई है आज के समय में, चाहे वो हमारी सामान्य ज़िंदगी से रिलेटेड हो या फिर स्पेस की बात करें, और दूसरी तो विज्ञान हर जगह मौजूद है हमारे आसपास।